एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे, उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन्स के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशन्स को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी, भारत के लोगों ने करीब करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो पहली वजह। और दूसरी वजह है, पूर्ण बहुमत की सरकार उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए, चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को प्रसन्न भी करती है, हैरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में
इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। अब कल्पना करिए स्केल, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। एक साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया है। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए हैं। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी, वो यादगार बन जाती है। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों को
कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया है। ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशन्स में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहरों की झलक होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गौरव यात्रा ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है। शायद आपके ध्यान में आया होगा, उसको भी मजबूती दी जा रही है। साथियों, किसी भी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशियल को पहचानें। भारतीय रेल में तो ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनों की कमीशनिंग भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो रही है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में 2200 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इसकी वजह से माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है। दिल्ली NCR से वेस्टर्न पोर्ट तक, चाहे गुजरात के समुद्री तट हो या महाराष्ट्र का समुद्री तट हो, पहले से जो सामान ट्रेन से पहुंचाने में एवरेज औसतन 72 घंटे लगते थे, आज वही लगेज, वही सामान, वही गुड 24 घंटे में पहुंच जाता है।
ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40% की कमी आई है। ट्रैवल टाइम में कमी आने का मतलब है कि मालगाड़ियों की गति बढ़ी है और सामान भी अब ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है। इसका बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों, कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है। हमारी फल सब्जियां अब ज्यादा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है। जब देश में इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा तो उतनी ही तेजी से भारत के जो उत्पाद है, हमारे छोटे मोटे कारीगर, हमारे लघु उद्योग जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, वो सामान विश्व बाजार